चीज। और आज की हमारी रेसिपी बच्चों से हटके है। आज हम बनाने वाले हैं थोड़ा बड़े लोग के लिए टिफिन, आपके अपने लिए या हस्बैंड के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याजा। पनीर वेजिटेरियन के लिए एक फेवरेट टिफिन होता ही है, तो आज हम थोड़ा सा हटके थोड़ा मसालेदार एक रेसिपी बनाएंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं रेसिपी। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो आइए फटाफट चलते हैं हमारी बढ़िया सी पनीर दो प्याजा की रेसिपी की तरफ। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच घी। अब इसी के साथ हम डाल देंगे पनीर, शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स जो हमने पहले से ही काट के रख लिए हैं, और अब हम इन सबको स्टर फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही करना है जिससे प्याज और शिमला मिर्च का क्रंच बना रहे और पनीर का कलर हल्का सा भुन के ब्राउन हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे दो बड़े चम्मच सरसों का तेल और साथ में एक चम्मच चीनी। चीनी को हमें कैरामलाइज होने तक पकाना है जब तक ये हल्की भूरी ना हो जाए। इसका ध्यान रखें इसमें चीनी जलने ना पाए। और अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ प्याज, और अब हम प्याज को बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। इस सब्जी में जो हमने पहले चीनी डाली है वो सिर्फ इसके कलर के लिए है, इसे टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मीठापन नहीं आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी जब तक हम पकाएंगे तब तक इसमें से कच्चेपन की जो महक होती है वो निकल ना जाए। ये देखिए। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा नमक। बस ये 6 मसाले पड़ेंगे इसमें। और अब हम इन मसालों को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे, बल्कि इसमें 1 मिनट से भी कम टाइम ही लगेगा। ध्यान रखें मसाले बिल्कुल जलने ना पाए। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये प्यूरी हमने कच्चे टमाटर से ही बनाई है, इसमें बस हमने टमाटर को पीस लिया है। अब हम इस मसाले को 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। भाई देखिए हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप इस तरह से मेहनत के लिए कोई मसाला बनाइए तो आप थोड़ा सा मसाला निकाल के रख सकते हैं, जो आपके मॉर्निंग आवर्स में आप फटाफट इससे कोई भी सब्जी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड कर दिया है, और इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। आप इसमें पानी अपने जो भी आपकी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम पानी डाल के 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, इससे इसमें जो मसाले हैं उनका फ्लेवर पनीर, शिमला मिर्च और प्याज में भी आ जाएगा। देखिए 5 मिनट बाद हमारी सब्जी कितनी लजीज दिख रही है, ये अच्छे से पक चुकी है, सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ चुका है। और फाइनली हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और ज़रा सी मलाई, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप बिल्कुल ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और बहुत बढ़िया लगती है सब्जी। ये देखिए फाइनली हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ में, और ये सुबह सुबह टिफिन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे बनाइए, खाइए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। So, अभी के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस फॉर न्यू रेसिपीज। टाटा। सो गाइस ये थी हमारी मसालेदार पनीर दो प्याजा की रेसिपी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने डियर एंड डियर्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।